राजधानी में गर्मी के बढ़ते तापमान के चलते पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। बढ़ते तापमान के चलते न केवल विदेशी बल्कि घरेलू पर्यटकों ने भी अपने टूर कैंसिल करवा दिए हैं। जो पर्यटक आ रहे हैं वो गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। जहां मार्च और अप्रैल महीने में करीब 2 लाख पर्यटकों ने राजधानी में लुत्फ उठाया, वहीं मई में अब तक इन सैलानियों की संख्या मात्र 25,000 रह गई है। माना जा रहा है कि जिस तरह तेज गर्मी से पर्यटक परेशान नजर आ रहे हैं, जून में भी पर्यटकों की संख्या 20% तक सिमट सकती है और मानसून बाद ही इसमें वृद्धि संभव है। अब बेहतर यह होगा कि पर्यटन विभाग अपने स्तर पर गर्मी में हिल स्टेशनों की तर्ज पर सुविधाओं में विकास के लिए ठोस कदम उठाए। विश्व धरोहर में शामिल होने के कारण जंतर मंतर में काफ़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, परंतु अभी गर्मी भी आ गई है और अभी पर्यटक सीजन भी नहीं है, इसलिए इन दिनों में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। जब पर्यटन सीजन होता है दिसंबर जनवरी में, तब करीब 8-9 हज़ार पर्यटक प्रतिदिन आते हैं, जबकि अभी 1,500-1,600 के करीब पर्यटक आ रहे हैं और अभी जून के महीने में और कमी आएगी थोड़ी। सब जून का महीना है, अभी बाकी है, मई में ये कंडीशन होगी। सुबह शाम हम ये सोच के निकलते हैं कि अब काम करने निकले या नहीं निकले। गर्मी इतनी तेज है कि जगह जगह पानी की बोतल साथ में लेने पड़ती है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। गर्मी काफ़ी, इतनी गर्मी नहीं है जितनी सोची थी हम लोग ने यहाँ पे आके। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं।